अच्छा है ना? गौरव ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। हाँ वाव इट्स ब्यूटीफुल। प्यार की निशानी की फोटो इतने प्यार से ले रही हूँ तो प्यारी तो आनी है ही ना। एक बात बताओ हम दोनों के प्यार की क्या निशानी है? ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लेता हूँ। अरे अब नया बनाने जितना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और मैडम अगर नया बनाने गया ना तो हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ एक 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 मेरे कैमरे से एक और एक 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 मेरे साथ देखते हैं इस बार प्यार कितने दिन तक रहता है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने कहा पीछे मत देख। मुझे कुछ कहना है। ये बीच में कहां से घुस गया? तेरी जिंदगी खतरे में है। कोई तेरा खून करना चाहता है। इसे रास्ते से हटाना ही होगा। गौरव ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। क्या हुआ? कुछ नहीं चलो। गौरव लेकिन क्या हुआ तुम्हें? साहब इधर अंदर जाके पूछ लेना कि रिक्शा वाला किधर रहता है। कोई भी बता देगा। उसकी बीवी बहुत गोरी है, बच्चा जानता है। ठीक है। ओके साहब। एक रिक्शा वाला अगर फॉरेनर के साथ शादी करे ये बात आगरे जैसे शहर में चुप कर रह ही नहीं सकती। हाँ सर वो बोल रहा था बच्चा जानता है। इसे पूछते सर इन्हें पता होगा। अरे सुनो भाई साहब वो रिक्शा वाला अशोक कहाँ रहता है जिसने फॉरेनर से शादी की? वो जो सामने वाली गली है ना उसमें सीधे चले जाओ। सीधे जाके तीसरा मकान है उसका। वो गोरी हिंदी बोले है साहब जी। अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है भाई काम आसान हो जाएगा। ये मामू लोग ऐसे तर्राते से आवे एक दो नहीं पूरे 5-6 हैं। मतलब अशोक तो फंस गया। देखो अशोक यही घर है ना? जी यही है। अशोक क्या चाहिए? वो सिंथिया ने भेजा है आपसे बात करनी है। अंदर आ जाओ। तुम्हारा सचिया? जी। तुमने सिंधिया को कहा कि किसी बड़े आदमी का खून होने वाला है? हाँ। किसका खून होने वाला है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? तो फिर बताया क्यों? 2 दिन पहले मैं घर साफ कर रही थी। हाँ हाँ जी बोल रहा है। देखिए बहुत बड़ा आदमी है पैसा तो लगेंगे ना 3 लाख रुपया से 1 पाई कम नहीं लगेंगे। देखिए इसमें तोल मोल मत करो ये आलू प्याज ना है भाई। आदमी को खून करना है बहुत बड़ा आदमी है पैसा लगेंगे पैसा भेज दो काम हो जाए। कब की बात है? ये 6-7 दिन आ गए। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि खून होने वाला है? जब मैं आई थी तो मैं ड्रग्स फान गई। पुलिस से पैर ले मेरे पीछे पा रहे हैं। मेरे पास पर तुम के पास है मेरा रिकॉर्ड खराब है। तुम्हारे पतिदेव अब है कहाँ? हटिए पीछे हटिए। ये वो है ब्लू चेक वाला।
वो है। ए, छोड़ो मत, मैं पकड़ा उसे। इधर 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 क्या? किसका खून करने वाले हो तुम? Исталамия. Ту полечеш. Пожалуйста, никого не убивай. Нам придёт конец. Почему дела полисою? И что будет делать, если я сяду в тюрьму? Ту будет кормить тебя. Умрёшь с голоду. Э, чап. Я бол рही. Была ки мэ туджи чоранга наги. अपने बीवी को मारता है? ये औरत अपना देश छोड़ के तेरे साथ यहाँ पे रह रही है और तूने इसका ये हाल कर रखा है? अरे साहब, ये शरीफ ना आए, हम जान रहे इसको, हम शादी किए रहे कि ये पतिव्रता होगी। अरे ये ड्रग के धंधे में फंसी रही, हाँ बता रहा है आपको। हमने सोचा इसके साथ हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम इंग्लैंड अमेरिका घूमेंगे, या आगरा की गलियन में सर रहे, रिक्शा चला रहे इसको पेट भरने के लिए। ये बता कि खून किसका करने वाला है? कौन सा? वो तो हम मजाक कर रहे खून किसका करेगा ये बोल। हम खून करने वाले आदमी नहीं है साहब। हाँ, हम खून करने वाले नहीं है। हम तो बहुत शरीफ आदमी है। हम तो पैसे दिए थे वो खून करवाने के लिए, किसी को पैसे दिए थे। कौन है वो? बाको नाम रवि है साहब। रवि से खून करवाया? रवि, ये सुपारी किसने दी? हमको वो कान्या ने सुपारी दी। कान्या ने? कान्या का नंबर दे, चल। उसका नंबर है 22 35 35 37 और 99 99। नहीं नहीं, कान्या का नंबर बंद आ रहा है। हम भी फोन लगाते हैं, बंद ही आता है हमेशा। हम मालूम नहीं, हम सही कह रहे हैं। हम जब भी फोन लगाते बंद आता है, वो दो दिन में नंबर बदल देता है। खून किसका होने वाला है? खून होने वाला है साहब गौरव को, और वो इलारा होटल में ठहरा है। होटल इलारा? और ये रवि जो फोन करने वाला है, ये कहाँ रहता है? ये यही रहता है, पास की गली में, दो गली छोड़ के रहता। आओ आपको दिखा देते हैं हम। अबे चुप। साहब हमको मानना मत, हम बता रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं आपको। वो घर है रवि को, और सबसे ऊपर वालों कमरों उसको ही है। अब मोको तो जान दो। अबे चुप, निकल, पकड़ के रखो इसे। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अशोक तू यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ लिया। ये अशोक की धुलाई होने वाली है। धुलाई? गुंडागर्दी की बात है क्या? गुंडागर्दी मिटाने आए हम लोग। हम लोग CID से हैं।
आप कौन है? अच्छा, मेरे ही मकान के सामने खड़ा होकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अच्छा, मकान मालिक हो? इसने बताया यहाँ पे कोई रवि नाम का आदमी रहता है। हाँ, रहता है। चलो दिखा। देख लो। ए, ये नल क्यों बंद कर रही है? दिख नहीं रहा है मैं कपड़े धो रही हूँ? दिख नहीं रहा है पानी वेस्ट हो रहा है? जब जब मैं कपड़े धोने बैठती हूँ तब तब किसी न किसी को ले आते हो मकान दिखाने के लिए। तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या? अरे मैं कोई मकान किराए वाले नहीं लाया हूँ। सीआईडी वाले हैं, ज्यादा बकबक करेगी तो पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, रहने दो, मुझे कोई ना पकड़ सके। जान दो ना सर। लो साहब, ये है कमरा। रवि अंदर है ना? हाँ, कल रात से अंदर सोया पड़ा है। देखिए, मैं इसी भी प्रद्युमन। जी सर, आपका कॉल आ गया था। सीआईडी का यहाँ कैसे आना हुआ सर? ऐसे ही, वैसे बिना बात के हम कहीं पर जाते नहीं है। जी सर, वो तो मैं समझ गई, लेकिन सर यहाँ तो कोई खून नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, हम दो लोगों की तलाश में यहाँ पर आए हैं। पति पत्नी है, पति का नाम गौरव है, मिस्टर गौरव कुमार। गौरव कुमार? हाँ जी सर, यहाँ दो लोग ठहरे हुए हैं। कोई गड़बड़ हुई है सर? बहुत बहुत गड़बड़ है सर, वो लोग तो अभी बाहर गए हैं। दोनों के टेलीफोन नंबर्स होंगे आपके पास? सेलफोन नंबर्स आपके रिकॉर्ड्स में? जी सर, अभी देती हूँ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। जिस बात का डर था वही हुआ। समझ में नहीं आ रहा किस मुसीबत में फंसे हैं। काम करो। वैसे आपके सीसीटीवी कैमरा में इन दोनों के फोटोग्राफ तो होंगे, वो प्लीज हमें दीजिए। सर 5 मिनट। सर अगर वो खूनी से मिलने गया है फिर तो मुसीबत है सर। हाँ पूर्वी, व्हाट? रवि की लाश मिल गई? की लाश मिल? गौरव को मारने आया था, उसी की मौत हो गई? ये लीजिए सर, गौरव और उसकी वाइफ की फोटोज। तो ये है गौरव और निशा। लगता है रात में ही मर गया। हाँ सर, आंखों के नीचे एकदम काला पड़ गया। गाल भी जल गए, लगता है कुछ खा लिया है। उंगलियां देख, की उंगली देखा, ये तो बिल्कुल जल गई है। ऐसा लगता है किसी की जलती हुई चीज को छू लिया है, मगर कमरे में तो जला हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई जली हुई चीज न सही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहर को हाथ लगा दिया हो, तेज जहर को, उससे उंगलियां जल गई और फिर जहर उंगलियों के रास्ते पूरे बॉडी में फैल गई। अभिजीत, ये देखो, किसी की खाल अटकी है इसमें। इसे मार के जब निकल रहा था यहाँ से तब अटका होगा। मतलब खूनी को खरों चाहिए। आप लोगों में से किसी ने मार दिया रवि को? हाथ दिखाइए। क्या 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 कर रही है? थोड़ी हाथ दिखाइए, देख रही हूँ कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। अरे चोट लगे मेरे दुश्मन को? हाथ दिखाइए। लो साहब, अपना दिखाइए। बाहर से कोई आके मार के गया क्या रवि को? साहब जी, एक बार ऊपर से छत से चोर जरूर आया था यहाँ। छत से? अभिजीत, कौन? यही रास्ता है।
जा। उधर कौन है? से आया है। अरे अरे कहाँ जा रहे सर? अरे नमस्ते। नमस्ते। इस घर में तो बाहर वालों को घुसता मना है, आप कैसे आ गए? अरे भैया यहाँ पर कोई मकान वकान खाली नहीं है। हमें कोई मकान चाहिए भी नहीं। तो आप आए कैसे यहाँ पर फिर? मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि अपने दोस्तों को इस घर में नहीं लाना, मतलब नहीं लाना। आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। आप कौन है? वो शर्मा जी का घर है ना? हाँ हाँ। वहाँ पे एक आदमी का खून हो गया है। खून? जी हाँ, बंदा शांति से लेटा पड़ा है और खूनी यहाँ से आया इस छत से। कोई और रहता है इस घर में? एक लड़की रहती है। कहाँ है? बुलाओ उसे। आइए आइए साहब। हाँ तो ताला लगाओ। लड़की कहाँ है? आज सुबह सुबह निकल गई। आज सुबह सुबह ही निकल गई? दया, इस कमरे की चाबी है आपके पास? यह ताला उसी का है। अच्छा, कमरा साफ है, पंछी उड़ गया। ये क्या? स्केच? ताज के स्केच? इस सारे स्केच तो एक ही एंगल से बनाए गए हैं। एक ही जगह से बैठ के एक ही एंगल से सारे स्केचेस? क्यों? ये लड़की करती क्या थी? अपने आप को आर्टिस्ट कह रही थी। नाम क्या उस लड़की का? माया। माया? हाँ तो वही चिपक रहे, मैं आ रही हूँ। अरे भैया जल्दी मेन रोड की तरफ लो। चल तो रहा हूँ। अरे जल्दी चलाना। ये आगरा है, यहाँ ऐसे ही चलता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विलायत से आई है। अच्छा अच्छा जल्दी चलाओ। अभी लिपस्टिक चपोड़ रखी है तो क्या सड़क अपने बाप की समझ रखी है? ओए सड़क मेरे बाप की नहीं है तो तेरे बाप की भी नहीं है। आराम से चलाना, काम कर अपना। ए चल भैया आगे चल, चल जल्दी। इससे जल्दी तो मैं पैदल ही चली जाती। सुन यही रुक। अरे क्या हुआ? कितना हुआ? अरे पूरे पैसे, पैसे कितना हुआ? पूरे पैसे लूंगा मैं। 40 छोड़ 50 पकड़, चल जा। तू कहाँ से आया? दिखाई नहीं। मेरा काम ही ऐसा है, मैं दिखता नहीं पर देख सब लेता हूँ। अच्छा क्या देखा? दोनों अंदर है। ये देखो ये ब्यूटीफुल ना निशा, तुम जो जो चाहो ना वो खरीद लो। मुझे जो जो नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के प्यार की निशानी हो। ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे 2-3 ताजमहल खरीद लेता हूँ। मैडम क्या चीज देखना चाहेंगी आप यहाँ से? प्लीज क्या चीज दिखाएं आपको? मैं खुद ही देख लेती हूँ। थैंक यू। वेलकम मैम।
चलो चलो, मैंने कुछ देखा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर ताजमहल है ना, मुझे यही चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारे लिए असली ताजमहल खरीद रहा था और तुम्हें ये चाहिए। हाँ ठीक है, खरीद देते हैं। तुम यहीं रुको, मैं सेल्समैन को बुला के लेके आता हूँ, रेट तो पूछ लूँ। हाँ को ना ये ताजमहल बहुत पसंद है, आप ये बताइए ये कितने का है? ये पीस 15,000 रुपए का है, कहिए तो पैक करवा दूं इसे। 15,000? ऐसा कीजिए आप इसे पैक करा दीजिए। गौरव मुझे ये ताजमहल ना उतना भी पसंद नहीं है, मैंने कुछ और देखा है, प्लीज वो देखते हैं ना। सॉरी चलो तुम ना। भी ना सर, आपका बिल पीछे देखो, पीछे। कोई तुम्हारा खून करने वाला है। मेरा खून? कौन? मुझे फोर्ट में आके मिलो, सब कुछ बता दूंगा। आपकी वाइफ को मत बताना। गौरव क्या खुसुर-खुसुर हो रही है? ना कुछ नहीं कुछ नहीं। कितना बिल हुआ? चलो जी, ताजमहल में कुछ खास है, जितना देखो उतना कम है। घंटों तक देखते रहो ना, फिर भी जी ना भरे। हाँ सर, इसे देख के ना ऐसे मन में प्यार उमड़ आता है। मेरे भी, मतलब दिल झूम झूम उठता है, गाना गाने का मन करता है। सर मुझे भी ऐसे लगा कि मैं कुछ गाऊं, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वैसे मेरे मन में कुछ प्यार व्यार नहीं है। सूखी जमीन पे फूल कहाँ से खिलेंगे? कुछ कहा तुमने? नहीं सर, वो जमीन देख रहा था सर। ये देखो अभिजीत स्केच यहीं बैठकर बनाया गया है। पूर्वी स्केच दिखा। सर ये वाला टॉयलेट का बोर्ड वो देखिए। सर 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 फोटो खिंचवा लो सर। ताज के साथ फोटो खिंचवा लो साहब, वाइफ खुश हो जाएगी। अरे यार वाइफ का ही तो चक्कर है। देखो भाई हम लोग CID से हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, समझे? बोलिए साहब। ये देखो, ये देख रहे हो? अरे ये तो ताज की तस्वीर है साहब। अरे मालूम है यार ये ताज है, लेकिन क्या है ये जो स्केच आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे, ये देख रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे किसी ने खड़े होके या बैठ के इस एंगल से बनाया। कौन बनाता था यहाँ पे? हाँ साहब एक लड़की है। ये सही है, होशियार हो, लड़की है वो। कुछ फोटो निकाले साहब उसके, देखो। सर एक दो तो मैंने भी खींची। अच्छा ये देखिए साहब, ये पर्स नीचे रखा है, यही लड़की है। ओ, तो ये है माया मैडम। ओ माय गॉड,
क्या हुआ सर? यहाँ से निकल लीजिए सर। क्यों सर? ये जगह तो खराब हो गई। अरे क्या हुआ क्या? चित्रोले सर। चित्रोले कहाँ है? अरे सर फोटो में ये देख, दो फॉरेनर्स के साथ। एक दो नहीं, 20-25 लड़कियों के साथ आए थे और कह रहे थे गाइड हूँ मैं। गाइड हूँ 20-25 लड़कियों के साथ? ये कौन सा केस है सर? फिर से चित्रोले? नहीं नहीं नहीं, वो लड़का जिसकी जिसका खून हो गया। ये तो रवि है सर। हाँ ये रवि जिस आदमी को मारने वाला था वो उसी आदमी से बात कर रहे हैं। वो गौरव से माल है यहाँ ताजमहल के पास में आके बात कर रहा था और घर में जाके मर गया। सर गौरव का फोन ऑन हो गया है, पता चल गया है कि वो कहाँ है। कहाँ पर? सर आगरा फोर्ट में। ये देखो यही वो जगह है जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा क्यों होता है गौरव कि प्यार की सारी कहानियों का अंत दुख भरा ही होता है? क्या मालूम ये प्यार होता ही क्यों है। क्या गौरव? गौरव गौरव क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, जब से तुम वो हैंडीक्राफ्ट वाले शोरूम से निकले हो तब से तुम बहुत बदले बदले से हो। अरे नहीं, वो तुम बादशाह के बारे में क्या कह रही थी? कहते हैं अगर सुबह शाम कोई इस ताजमहल को देख ले तो उसके प्रेमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने सुबह शाम घूमता रहता है। गौरव 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 फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये आकाश से आ गया, ये गौरव से नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ हुआ है सर?
अभी अभी हुआ है, कुनिया आसपास ही कहीं होगा, इसे हॉस्पिटल ले चलना होगा। उठाओ इसे। ए, माया! ले जा। गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ। सर इसकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग टाइम से पहुंच गए, इसलिए बच गया ये। आप लोग टाइम पे आ गए, चलो धन्यवाद दो इनको। वैसे सीआईडी बोलो पुलिस बोलो, कभी टाइम से तो पहुंचते नहीं। मगर इस बार पहुंच गए, वरना अब तक तो ये ऊपर वाले के दरबार में चेस खेल रहा होता। मेरी बीबी बहुत अच्छा चेस खेलती है। अच्छा एसीपी साहब, अब जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, प्लीज बी डिफाइन। थैंक यू। अब बताओ, तुमसे एक आदमी मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था क्या? सर, उस दिन जब हम हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में गए, वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में, कोई मेरा खून करना चाहता है। सर तुम आगरा फोर्ट क्यों चले गए? उसी आदमी ने मुझे वहां बुलाया था, वो मुझे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास आने की कोशिश की, ये लड़की न जाने कहां से आ गई, उसने मुझे धक्का मारा और मुझ पे कुछ फेंक दिया। सर, हाँ, तेरी आदमी हाथ लगाए सर, ये वही आदमी है जिसने गौरव को कहा कि तू मरने वाला है। अच्छा क्यों भाई, किसी की मौत की खबर लेकर क्यों घूम रहे हो? सर वो जो आदमी मर गया है ना, रवि। जी सर। उसका क्या? वो मेरा दोस्त था सर, उसने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो एन वालों लेकर गौरव को दे देना। कहाँ है वो एन वालों? ये तो ताजमहल का फोटो है, पीछे के साइड से निकाला है, यमुना के पार। ये कैसा निशान है? फोटो कहां से खींचा होगा? चलो देखते हैं। सर, आते यहां से। सर यहीं से, इसी जगह से खींची गई है फोटो, ये देखिए। करेक्ट, ये जो छोटा वाला गुंबद है ताज के पीछे आधा दिख रहा है, और मीनार ने मेहमान खाने के दरवाजे को बिल्कुल वैसे ही कवर कर रखा है जैसे इस फोटो में दिख रहा है। मार्क क्या है? नहीं सर, और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और आगे? ये ठीक है? हाँ सर, सर वही जगह। जो कुछ भी है ना यहीं पे छुपा है, यहीं पे गाड़ के रखा है, वो भी काफी दिन पहले। ये देखो घास काफी उग चुकी है ना। सर खोद कर देखते हैं इसे। यहाँ पे इतना सख्त पैरा रहता है, फिर भी किसी को यहाँ पर कोई चीज गाड़ने का मौका कैसे मिला? सर हो सकता है पुलिस का पैरा लगने से पहले ही काम कर दिया हो किसी ने। हाँ पर हिम्मत तो देखो।
सर विजिटिंग कार्ड। मतलब निशान सही लगा हुआ था। किसी मनीष कुमार का कार्ड है, खून लगा हुआ है कार्ड पर। पता नहीं मनीष कुमार जिंदा है कि गया। पूर्वी एक काम करो, दिल्ली का एड्रेस है, फोन करके देखो ये आदमी अभी भी है क्या वहां पर। और खोदो सर। हाँ खोदना तो बनता है सर, मैं खोदता हूँ। करो साफ करो। आदमी की हड्डी। सर तो मरता है। मनीष कुमार? हाँ हो सकता है। शायद रवि गौरव को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तेरा भी यही हाल होने वाला है। हाँ पर अभिजीत इससे गौरव का क्या मतलब है? मतलब है सर, सर ये मनीष कुमार आगरा आया था हनीमून पे, अचानक गायब हो गया। इसकी वाइफ पायल को पकड़ा था सर, पर छोड़ दिया। ये देखे सर, मनीष कुमार और उसकी वाइफ पायल की फोटो, ये रही। ये पायल है? तो क्या पायल ने अपना नाम बदल के निशा कर दिया था? अपने एक पति को मार के यहाँ पे गाड़ दिया और दूसरे पति को मारने की तैयारी चल रही है। सर ये पायल सॉरी निशा, ये अपने नए हस्बैंड गौरव के साथ होटल में है, कहीं उसको टपका ना दिया। निशा, गौरव, निशा। सर वो हस्बैंड वाइफ तो ऊपर गए हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे? ओके ठीक है। सर, निशा और गौरव दोनों कमरे में नहीं है, दोनों के दोनों ऊपर गए हैं सर, टेरेस पे सर। निशा, निशा, तुम आके। आराम से। सर, इसकी उंगलियां चली गई है, जहर अभी भी होगा इसके हाथ में। जहर? किसने लगाया होगा जहर? किसने दिया धोखा? माया? अरे ये क्या चक्कर है? तुमने ही तो माया को बोला था गौरव का फोन करने के लिए। माया ने तुम्हें क्यों मारा? निशा, 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 सही तो गई। Damn it! हाँ ये तो गई, मगर माया अभी भी है ना, वो तो गौरव को पी जाएगी। सर ये माया ट्रेंड है, उसे मालूम है किस किस तरीके से मारते हैं। संभल के। Oh my God! ये देखो। इसकी उंगलियां भी जली हुई है, लगता है इसने भी जहर कुछ हुआ है। लगता है इन दोनों ने एक दूसरे पर जहर फेंका है। निशा ने नहीं मारा। निशा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उसने मुझे खरीद लिया। निशा ने मुझे जितने पैसे दिए उससे डबल पैसे दिए। उसने कहा निशा को मार दो। कहाँ है वो? पूर्वी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे बचा लिया। मेरी बीवी इतनी बेदर्द निकली, वो मुझे मारना चाहती थी। उसने माया को मेरे पीछे भेजा, लेकिन मैंने माया का जहर उसी पर फेंक दिया। झूठ बोल रहा है ये। माया तुम जिंदा है ये, और इसने हमें सब कुछ बता दिया। अगर मैं नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगी। जैसे मुझे पता लगा कि मैं निशा का तीसरा पति हूं और बाकी दो को वो आगरा में टपका चुकी है, मैंने फैसला किया कि मैं
उसे मरवा दूंगा। और ये रवि का क्या चक्कर है? निशा ने पहले रवि को फंसाया, उससे कहा कि वो अगर उसके हस्बैंड को मार देगा तो निशा उससे शादी कर लेगी। रवि ने अपना काम किया लेकिन निशा ने रवि को धोखा दे दिया। इस बार निशा ने रिक्शा वाले को बोला लेकिन लेकिन उसे पता नहीं था कि रिक्शा वाले ने मुझे मारने के लिए रवि को पैसे दिए हैं। रवि गुस्से में पागल हो गया और उसने मुझे आकर सब कुछ सच सच बता दिया। तुम दोनों को तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम दोनों को। ले जाओ इन्हें। चल। सर बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था। सर इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।